होशंगाबाद जिले की सोहागपुर विधानसभा की बाबई और सोहागपुर तहसील में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा के कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौशाला लोकार्पण के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा, जिसमें स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसको लेकर सभी कांग्रेसी नाराज थे और उनका आरोप था कि उनकी उपेक्षा के बाद भी प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा कार्यक्रम में पहुंच गए। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने जिले में कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। पुष्पराज पटेल ने कहा कि जो गौशाला खुल रही है वे भाजपा के सरपंचों की पंचायतों में खुल रही हैं। पटेल ने रेत चोरी में भी कांग्रेस के नेताओं का हाथ होने की बात कही और साथ ही पीसी शर्मा द्वारा कार्यक्रमों में स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया। उसके बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता स्थानीय रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए और प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा के पहुंचते ही विरोध जताने लगे। वहीं मीडिया कर्मियों के मोबाइल एवं कैमरे भी बंद करवाए गए, जिसके बाद बंद कमरे में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से घंटों बात करते रहे प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा। कार्यकर्ताओं को मैसेज नहीं मिला, ये बात कार्यकर्ताओं ने, हमारे सारे संगठन ने माननीय प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया। यहीं अभी चौराहे पर माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कहा ये कार्यक्रम संगठन का नहीं है, ये शासकीय कार्यक्रम है। ना SDM ने यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को कोई खबर दी और ना तहसीलदार ने दी, ना जनपद CEO ने दी। अब कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, प्रभारी मंत्री जी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कार्यकर्ता संगठन को पता नहीं है। सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम कराए, संगठन कोई नहीं गया। हमारे तो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं गए, नगर अध्यक्ष नहीं गए, पूर्व जनपदों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष कोई नहीं गए, पता ही नहीं है। पन्ना प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडलम कमेटी के अध्यक्ष नहीं गए। सबसे बड़े गाँव हमारा सांगाखेड़ा कला, वहाँ गौशाला बन रही है, वहाँ के हमारे सेक्टर अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों को गौशाला दी जा रही है, जितने भी सरपंचों को गौशाला दी जा रही है उनका रिकॉर्ड उठाओ, सब भारतीय जनता पार्टी के सरपंच है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? संगठन से कोई राय मशवरा करके? कोई राय मशवरा बताया ना कहाँ किया है? संगठन का, संगठन से राय मशवरा कौन कर रहा है? अगर ये संगठन से राय मशवरा होता ये हालत होती कि हमको कहा किसी को सूचना? हम ये बात माननीय कमलनाथ जी को बताएंगे, गलत हो रहा है। 10 तारीख से पदयात्रा निकलेगी कमलनाथ जी के। रेत चोर समानांतर सरकार कांग्रेस चला रहे हैं होशंगाबाद जिले के अंदर। क्या हो रहा है, निर्णय क्या होगा जिला पंचायत, जिला सरकार में, ये रेत चोरों को मालूम है, संगठन के एक एक एक, एक कार्यकर्ता को नहीं मालूम। तुम्हारी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है ये सरकार का कार्यक्रम? और पहले विधानसभा जिताओ, इसके बाद कोई काम की बोलो। पहले आपने कितनी बूथ जिताए, कितनी लोकसभा जिताए? अरे आपने आप बताओ ना कैसे हारे राजा साहब, बताए सारे। भाई हमारा प्रत्याशी नया था, ठीक है, हमने जी जान से कोशिश करी, नहीं जीत पाए। आप बताए ना, 3-3 विधायक, 2-2 मंत्री क्यों हारे राजा साहब?